प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास LKG सब्जेक्ट इंग्लिश में आज हम सब क्यू से वी तक के अक्षर को बनाना सीखेंगे और इन अक्षर से बनने वाली स्पेलिंग और स्पेलिंग के साथ कुछ फिगर्स को जानेंगे। तो देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। पहला अक्षर क्यू है। क्यू को देखकर क्यू के सामने तीन अक्षर और बनाने हैं ताकि प्रत्येक लाइन में चार अक्षर बन जाए। क्यू एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच की दूरी समान हो और सभी अक्षर ऊपर की तीन लाइन में हो, यानी कि लाइन टू लाइन में हो। देखिए, क्यू को देखा, क्यू के आगे हमने एक दो तीन अक्षर और बनाया क्यू को देख करके, और सभी अक्षर ऊपर की तीन लाइन में है, यानी कि लाइन टू लाइन है। कोई अक्षर तीन लाइन से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, और एक लेटर से दूसरे लेटर की बीच की दूरी समान हो। ये नहीं कि कोई अक्षर दूर पर लिखें और कोई ला करके एकदम करीब में लिख दिया, नज़दीक उसके लिखते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ देखिए, क्यू के नीचे आर है। अब आर को देख करके लेटर के शीट पर लेटर लिखते हुए आपको पेज भरना है। इधर से सभी लेटर को देखें और उसके आगे, यानी कि लेटर के शीट पर लेटर तीन तीन अक्षर और इसके आगे बनाने हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ आर को सबसे पहले आप एक खड़ी पाई खींचेंगे और ऊपर की दो लाइन में ऐसे अर्धवृत्त, यानी कि आधा गोला, यानी कि कह सकते हैं इसे सी का उल्टा भी, और एक तिरछी पाई खींचते हैं। आपका आर अक्षर बन करके तैयार हो गया। और देखिए, अब हम एक एक अक्षर आपको और बना करके दिखा रहे हैं। इसके आगे आप भर करके लिख करके पेज को भरेंगे। देखिए, अब आप इसके आगे एक बार लिखें, यानी कि अक्षर के शीट पर, या कहें लेटर के शीट पर, और फिर लेटर के शीट पर दो बार आपको आर को देख करके तीन बार, यानी कि इसके आगे दो बार, एक बार दो बार भर करके पेज भरेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप देखें ऐसा अक्षर एस को बनाइए ऐसे, और समान दूरी का ध्यान रखते हुए, यानी कि ऊपर के लेटर को देख करके लेटर के शीट पर लेटर को लिख करके, और ये ध्यान दें सभी लेटर ऊपर की तीन लाइन में हो, पेज को भरेंगे। अगला लेटर है, देखिए टी, कौन सा अक्षर है, टी। टी को सबसे पहले आप एक खड़ी पाई खींचेंगे और इसके बीचों बीच एक बड़ी पाई खींचेंगे। आपका इस तरह से टी अक्षर बन करके तैयार हो गया। आप यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि लेटर के शीट पर लेटर देखते हुए बनाएंगे, और सभी लेटर ऊपर की तीन लाइन में, यानी कि लाइन टू लाइन में ही हो। और देखते हैं अगला लेटर है यू। यू को देखिए ऊपर की तीन लाइन में। अब यहाँ लेटर के शीट पर एक यू और बनाएंगे,
और इस लेटर के शीट पर एक यू और बनाएंगे, यानी कि आपको अभ्यास के लिए दो दो लेटर, दो दो अक्षर और बनाने हैं। देखिए वी है, वी को फिर ऊपर से देखिए सीध में और यहाँ बनाइए ऐसे वी। वी को देख करके एक वी हमने बना दिया, आपको दो वी भी बनाने हैं। तो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं बेटा, आप ऐसा लिख करके अभ्यास करें और ये ध्यान दें कि सभी प्रत्येक लाइन में चार अक्षर हो, चार अक्षर से न तो कम हो न तो अधिक हो। प्रत्येक लाइन में आपको चार अक्षर लिखने हैं, सभी अक्षर लाइन टू लाइन लिखने हैं, यानी कि ऊपर की तीन लाइन में लिखने हैं। आप जानते हैं कि ये कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर के सभी अक्षर ऊपर की तीन लाइन में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आप घर पर लिख करके और पूरा भर करके अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखते हैं अब इस अक्षर को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये क्या है, इसके नाम से परिचित हो जाएं आप। क्यू, ये क्या है आर, ये क्या है एस, क्या है एस, ये क्या है टी, ये क्या है यू, ये कौन सा लेटर है वी। आप देखें क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ देखिए इसको देख करके हमने बनाया। आपको इसको देख करके जिस तरह से हम चार अक्षर बनाए हैं एक लाइन में, यानी कि इसको देख करके उसके आगे तीन अक्षर और बनाए हैं, उसी तरह से आपको इसको देख करके दो अक्षर यानी लेटर आपको और बनाने हैं। देखिए अब Q R, यहाँ R S T U V, तो देखते हैं Q फॉर क्वीन, क्या क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। यहाँ देखिए रानी की तस्वीर यानी कि पिक्चर्स बना हुआ है, स्पेलिंग है क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। आगे देखें ये क्या है आर है, आर फॉर रैट, रैट मीन्स चूहा। देखिए यहाँ चूहे की तस्वीर बनी हुई है और चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं रैट, रैट की स्पेलिंग यहाँ लिखी गई है आर ए टी, रैट, रैट मीन्स चूहा। देखते हैं ये कौन सा अक्षर है एस, एस फॉर सन, सन मीन्स सूरज। देखिए सूरज निकल रहा है, स्पेलिंग है एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज, सन मीन्स सूरज। देखिए ये कौन सा अक्षर है टी, टी फॉर ट्री, ट्री मीन्स पेड़। यहाँ देखिए पेड़ है, इसको इंग्लिश में ट्री कहते हैं, ट्री की स्पेलिंग है टी आर डबल ई, ट्री, ट्री मीन्स पेड़। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अगला लेटर कौन सा है, अगला लेटर है यू, कौन सा अक्षर है यू, यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का देखिए अम्ब्रेले का चित्र यहाँ बना हुआ है, तस्वीर यहाँ बनी हुई है, स्पेलिंग इसकी लिखी हुई है यहाँ यू एम बी आर ई डबल एल ए से होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन से छाता। देखिए लास्ट का लेटर है यानी कि अक्षर वी, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वैन मीन्स गाड़ी। देखिए गाड़ी यहाँ बनी हुई है, वन का फिगर्स यहाँ बनाया गया है और स्पेलिंग है वी ए एन, वन, वन मीन्स गाड़ी। तो प्यारे बच्चों आप फिगर्स को देखें और इसकी स्पेलिंग याद करें, फिगर्स को देख करके सभी फिगर को देखें और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसकी स्पेलिंग क्या है इसे याद करें
और देखते हैं आपको लेटर्स आज क्यू से वी तक पढ़ाएगा। इसे फिर से एक बार देख लेते हैं, क्यू आर एस टी यू वी, और इसे घर पर लिख करके अभ्यास कार्य करेंगे, स्पेलिंग लिख लेंगे और लिख करके याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।